अच्छा रिकॉर्डिंग से याद आया, तो हमने वेबकैम ऑन सर। करो। हे निरंजन, बड़ा स्टूडियस लग रहा है आज। हाय हेलो सर। बेटा। घर पीछे बहुत रोशनी है तेरे। हाँ सर, 1 मिनट पर्दा डालता हूँ। नहीं ठीक है, नहीं चलेगा चलेगा, छोड़, रहन दे रहन दे रहन दे, फोटो हाँ सर, ठीक है। सेशन नहीं चल रहा इधर। ओके हाँ हाँ सर। ओके। नूतन अगेन। अरे देवांश, तेरे बाल आ रहे हैं धीरे धीरे, कांग्रेचुलेशन, हरियाली वापस आ रही हाँ सर, है। उग या चलो, नहीं क्या हुआ आज, बहुत मूड खराब है तेरा, किसी ने कुछ बोला? तूने नो सर। किसी को कुछ बोला? अच्छा, नहीं सर, तो मूड क्यों खराब है? ओके, नहीं मूड नहीं खराब। किसने बोला? लग रहा था शक्ल से। अच्छा ग्रेट। आयुष कैसा यस सर। है? अच्छा सर, आप कैसे हो? क्या अथर, तो यस सर। चोरी हो गया? कुछ क्या सर? तो चोरी हो गया? इतना नहीं सर, सीरियस क्यों है? नहीं सर। ओके गाइस, नाउ वी विल स्टार्ट। ठीक है, लग रहा है तुम अटेंटिव हो, राइट? सॉरी, तू भी बहुत सीरियस लग रहा है, सब ठीक? नथिंग सर। ओके ग्रेट। ओके गाइस, वनेस, अब सुनो, वनेस का जो कर्व होता है, जो एरिया होता है, जो रीजन आता है ना, इट इज स्फेरिकल। सुनना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो इलेक्ट्रॉन का पूरे लोब में, ये इसको लोब कहते हैं, राइट, LOBE, पूरे लोब में या तो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होगा या पूरे लोब के अंदर एम्पलीट्यूड नेगेटिव होगा। गेटिंग इट? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, साइन है किसका? एम्पलीट्यूड का। डिड यू गेट दैट? यस सर। वेरी गुड। तो 1S के अंदर या तो पूरे रीजन में पॉजिटिव एम्पलीट्यूड रहेगा या तो पूरे रीजन में नेगेटिव एम्पलीट्यूड रहेगा। तो एट ए टाइम पॉजिटिव, एट ए टाइम नेगेटिव, ठीक है? अब मैं सर बात आपने करता क्या हूं, बोला सर? मैंने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? एम्पलीट्यूड का साइन है। एम्पलीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। यस सर। चार्ज नहीं है, इसको चार्ज मत कहना। और मैं क्यों तुमको अभी ये बता रहा हूं, क्योंकि जब हम लोग वो करेंगे ना, क्या कहते हैं उसको, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, यस सर। उसमें इसका यूज आएगा, ठीक है? तो तुमको पता होना चाहिए। ओके अगर मैं सर। 2P सबशेल की बात करूं, तो मेरे मिट्टी के शेरों, ये बताओ कि 2P सबशेल के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? PX, PY, PZ। 2PX होगा, 2PY होगा एंड 2PZ होगा। कोई डाउट? वेरी नो सर। नो गुड, सर। वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, PX जो होगा, दैट विल बी इन विच विच एक्सेस? एक्सेस। अलोंग एक्स एक्सेस। दो लोब होते हैं, राइट? अगर एक लोब में इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, तो दूसरे लोब में साइमल्टेनियसली नेगेटिव रहता है। अंडरस्टूड? यस सर। दिस इज अलोंग एक्स एक्सेस। अच्छा एक बात बताओ, क्या एस ऑर्बिटल में कोई भी ऐसा प्लेन है क्या जहां पे न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो हो? बिकॉज ये पूरा रीजन क्या डिफाइन करता है, शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, और शेप ऑफ ऑर्बिटल कौन डिसाइड करता है, ये जो पॉइंट्स हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी आती है, करेक्ट? तो यस। कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसा प्लेन है क्या जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो दिख रही हो तुमको? वेरी गुड। हो नहीं नहीं, तो नहीं यहाँ सर। पे ना, आई डोंट हैव एनी नोडल प्लेन, नो नोडल प्लेन। नोडल प्लेन्स क्या होते हैं?
यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होता है. द रेक्टेंगुलर प्लेन्स नहीं होता. या रेक्टेंगुलर प्लेन्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन is zero. Getting it? अच्छा angular nodes क्या होते हैं? The regions along the angles where the finding of probability. The angle where the probability of finding an electron is zero. Where the probability of finding the electron is zero. So उसका sign L. अरे वाह. Probability of finding an electron is zero. Agreed? अच्छा angular node nodal plane same ही होते हैं. सारे nodal planes angular node ही होते हैं. Getting it? Rectangular plane region ही हुआ ना जहाँ पे probability of finding electron zero होगा. Angular node का formula क्या होता है? An is equal to L value. ठीक है. S के लिए L value क्या है? Zero. आगे कुछ नहीं बोल रहा मैं. सुनो ये अलोंग एक्स एक्सिस है. ठीक है. नाउ टेल मी मेरे पास दो लोब्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस. ये है तुम्हारा वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस. ठीक है. तो वाई जेड पे एक मेरे पास प्लेन आ रहा होगा इस तरीके से. क्या उस प्लेन में मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है क्या? सपोज करो ये वाई जेड प्लेन है. कौन सा प्लेन है गाइस? वाई और ये जेड. इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे एक लोब है और नीचे एक लोब है. कोई डाउट? क्या इस प्लेन में कोई भी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है क्या? इस प्लेन तो ये जो प्लेन आ रहा है इसको क्या बोलूं मैं? नोडल प्लेन. नोडल प्लेन. तो ये कौन सा प्लेन हुआ? नोडल प्लेन या फिर एंगुलर नोड. एग्रीड? यस सर. वेरी गुड. अब एक बार बताओ अगर पी वाई लिया तो किस एक्सिस में? सर दोनों सेम ही है ना. कौन सा? एंगुलर नोड और नोडल प्लेन. हाँ हाँ हाँ. जब रेक्टेंगुलर नोड की बात करेंगे ना रेक्टेंगुलर एंगुलर नोड की बात करेंगे तो हाँ एक जगह अलग होता है वो बताऊंगा अभी बताऊंगा. ठीक है. पी वाई और पी जेड. पी वाई क्या होगा? अगर ये वाई एक्सिस हुआ तो ये एक्स हो जाएगा और ये एक काम करते हैं ऐसा बनाते हैं ताकि थोड़ा फील भी है. ये वाई एक्सिस हुआ तो ये एक्स एक्सिस होगा ये वाई होगा. सॉरी बाप ये जेड होगा. डन. तो अलोंग वाई एक्सिस मेरे पास दो लोब्स होंगे. करेक्ट? यस. अगर एक लोब में पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है तो दूसरे लोब में क्या होगा? नेगेटिव एम्पलीट्यूड. नेगेटिव. साथ ना तुम लोग वो हो गया कहते हैं उसको जीनियस हो. नोडल प्लेन कहाँ आएगा? जेड और एक्स प्लेन. एक्सेक्ट. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर. वो येलो येलो बनाना फिर क्या बोला सर? देखो बेटा वो येलो येलो जो है ना वो वाई और जेड है. ठीक है. तो वाई जेड प्लेन बनाया मैंने. ठीक है. और वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर में एक्स एक्सिस आता है. एग्रीड? यस सर. तो एक लोब ऊपर है और एक लोब नीचे. तो क्या इस प्लेन में कोई भी इलेक्ट्रॉन है क्या? नो सर. रेडियो सर. यस. इस प्लेन नोडल प्लेन हुआ. नोडल प्लेन बोलते हैं. गेटिंग इट? और एंगुलर नोड बोलते हैं. ओके गाइस अब पी जेड की बात करते हैं. नाउ पी जेड के अंदर एक काम करते हैं इस एक्सिस को जेड एक्सिस लेते हैं. इसको एक्स ले लेते हैं इसको वाई ले लेते हैं. ले सकते हैं ना?
यस यस सर, ये लोब हो गया और एक नीचे लोब हो गया, कोई डाउट? नो सर। तो ये जो होगा, ये जो प्लेन होगा, ये कौन सा प्लेन होगा? एक्स वाई प्लेन। वेरी गुड, तो ये क्या हो गया? नोडल, नोडल प्लेन या फिर नोडल एंगुलर नो। तो एक बार बताओ, अगर मैं 2P सबशेल की बात करूं, तो 2P सबशेल के अंदर डू यू हैव एनी, हाउ मेनी नोडल प्लेन्स यू हैव इन 2P सबशेल? सबशेल के अंदर ये सारे ऑर्बिटल्स होंगे ना, तो टोटल नोडल प्लेन कितने आ जाएंगे? थ्री। कोई डाउट? नो सर। चले आगे, बना लिए? यस। नो सर, वेट वेट। नहीं सर। बना बना बना, कोई नहीं सर। आप वापस बताओगे आप भी क्या बोले आप इसमें सर? वो नोडल प्लेन वाले, हाँ मैंने बोला था कि अगर मेरे पास एक ऑर्बिटल है जिसमें दो लोब्स आ रहे हैं, पी ऑर्बिटल में दो लोब्स आते हैं, एक के पास पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होता है, दूसरे के पास नेगेटिव एम्पलीट्यूड होता है, तो ये जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है ना इन दोनों के लोब्स के बीच में जो प्लेन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, उसको नोडल प्लेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। और 2p सबशेल के अंदर ना तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर हम तीनों ऑर्बिटल को स्टडी करते हैं तो मेरे पास कितने नोडल प्लेन आते हैं? तीन नोडल प्लेन आते हैं। तभी मैंने बोला था एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, यहाँ पे तीन हो गए। एस ऑर्बिटल के लिए कितने नोडल प्लेन है? जीरो। दैट्स इट, अंडरस्टूड? हाँ। ओके। तो गाइस आगे चलें। सर मुझे यस सर दो मिनट के ग्राफ में एक डाउट। सर नोडल प्लेन इक्वल टू एल होता है ना? एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल होता है। दोनों सेम है ना? पर नहीं, अभी के लिए तो दोनों सेम है। अभी के लिए तो इधर तीन कैसे आए? कितना क्यूट है यार, क्या कह रहा है सर? तो अभी दो आने चाहिए ना। अरे क्यों रे अलका, 2p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं? तीन। हां तो हर एक ऑर्बिटल में एक होगा ना? ओके, तो एक 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 टोटल कितना होता है? भूमून, एक प्लस एक टोटल कितना होगा? तीन। हाँ सर, साई आर तो ये प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है ना? साई आर स्क्वायर रेडियल प्रोबेबिलिटी बताता है। तो सर हमने वो रेडियल नोड कैसे निकाल लिया उसको आर के साथ रिप्रेजेंट करके ग्राफ में? बेटा क्योंकि अगर साई आर जीरो होता है तो साई आर स्क्वायर भी जीरो ही होगा ना। हाँ ठीक है सर, एंगुलर नोड दो ही होंगे ना फिर 2p में? क्यों रे? एंगुलर नोड इज इक्वल टू l ना? एंगुलर नोड इज इक्वल टू l, तो l वैल्यू क्या होता है p का? अच्छा 1। हाँ तो px का l वैल्यू 1, py का l वैल्यू 1, pz का l वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना टोटल? ओके सर, l वैल्यू तो पूरे सबशेल का होता है ना? मेरे लाल सर वही बोल रहा हूँ, px py तो ऑर्बिटल हुआ। अरे यार उन ऑर्बिटल्स का l वैल्यू 1 नहीं होगा क्या? मतलब हर एक का अलग? अच्छा हाँ सर, p सबशेल का l वैल्यू रहता है मान लिया, बट उन ऑर्बिटल्स का भी तो रहेगा ना, p का मतलब l वैल्यू 1, तो अलग अलग ऑर्बिटल ये डिसाइड करेंगे ना क्या है क्या नहीं है, है ना? Yes, yes, अच्छा तो अब आगे चलें। yes. आयुष क्या हुआ बेटा? सर गलती से हो गया, रफ करता हूँ। ओके ओके गाइस, वेयर आर वी सर? तो नोडल प्लेन मतलब एंगुलर नोड इनटू एल होगा क्या? नहीं सॉरी, नो, नोडल प्लेन ही ऑर्बिटल्स इनटू एल होगा क्या?
नोडल प्लेन्स और एंगुलर नोड है ना एक ही है ना, तब वो रेक्टेंगुलर रहते हैं तो सेम रहते हैं। ठीक है, नहीं सर कुछ और पूछ रहा है। ऑर्बिटल्स इनटू एल होंगे ना टोटल रेक्टेंगुलर नोडल प्लेन? ऐसा नहीं है, वो पी के लिए निकला। अभी समझ में आया पी के लिए कैसे कैलकुलेट किया, तो उसका जनरल फॉर्मूला मत निकालो, फंसोगे। ओके, मैंने कभी जनरल फॉर्मूला लिया क्या? नहीं ना, नहीं। हाँ तो बस तुम भी मत लो। ओके गाइस, लिसन एवरीवन, साई थीटा पाई का प्लॉट करना है किसके लिए? फॉर 3D सबशेल। गाइस डी सबसेल, और डी किसी भी डी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? दो, पांच। सर पांच। हाँ पांच, ठीक है। ये तीनों ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये कहां पे एग्जिस्ट करते हैं? इन बिटवीन द एक्सिस। और ये दोनों ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं, है ना। अब इनका शेप देख लो कैसा आता है। अगर मैं बोलूं डी एक्स वाई का शेप, सर। हाँ बेटा बोलो, वापस बोलो ना। हाँ बेटा सुनो ना, कि डी सबशेल के अंदर ना dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square पांच orbitals होते हैं, ठीक है? अगर 4d लूंगा तो 4dxy, 4dyz, 4d, 4 आ जाएगा, बट यही पांच रहेंगे, agreed? हाँ। ये तीनों ऑर्बिटल ना along between the axis होते हैं, और ये दोनों along the axis होते हैं। समझ में आई बात? अभी तक इतना ही बताया। अब मेरी बात सुनो, मैं dxy की बात कर रहा हूँ, तो dxy किन एक्सिस के बीच में होंगे? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई, सुनो, ये बना लिया एक्स एक्सिस, ये बना दिया वाई एक्सिस, कोई डाउट? नो सर। वाई इन दोनों के बीच में चार लोग होंगे ऐसा, ठीक है? हाँ हाँ ऐसा, एक्स है और ये वाई है, इन दोनों एक्सिस के बीच में कितने लोग? फोर। चार लोग। अब चक्कर क्या है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट वाला नेगेटिव। नहीं, डी में पॉजिटिव ही रहता है, जो दो अपोजिट लोब्स होते हैं ना वो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होते हैं, बाकी के दो लोब्स नेगेटिव। कैसे डालना है साइन? जो लोब्स अपोजिट होंगे उनका साइन सेम होगा, गेटिंग इट? किसने पूछा ये क्यों? एम्पलीट्यूड फंक्शन बेटा, वो एम्पलीट्यूड फंक्शन जो श्रोडिंगर अंकल ने भेजा था ना, मैं उसको प्लॉट कर रहा हूँ बस, गेटिंग इट? तो ऐसा रहता है, अंडरस्टूड? मेरे ग्राफ वैसे क्यों रहते हैं? बिकॉज अंकल ने बोला। इधर भी किसने बोला? श्रोडिंगर अंकल। हाँ, अब एक एक बात बताओ, ये डी एक्स वाई प्लॉट किया किया, तो एक बार बताओ यहाँ पे क्या इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन है क्या? नो सर। अच्छा, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन है क्या? नो सर। तो मेरे को बताओ कितने प्लेन्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं? दो। एक तो ये टू प्लेन। सर, हाँ? सर फील नहीं आ रहा, अलग बनाना। क्या फील नहीं आ रहा? मोड कहाँ पे होंगे? और आपको कैसे पता? क्या मतलब? कहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है? सुनो, ये चार डायग्राम थोड़ा अलग था ना, तो अरे सुनो, ये चार लोब्स हैं, सुनो ना, अगर ये लोब हो गया, ये लोब हो गया, ये लोब हो गया और ये लोब हो गया, करेक्ट? हाँ।
हाँ तो ये लोब्स है ना ऐसे बनाते हैं, इनको इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, होते हैं ऐसे। तो क्या इस पर्टिकुलर एक्सिस में, इस पर्टिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं सर। क्या इधर एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं सर। प्लेन से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दो। और ये जो लोब्स है ये किस एक्सिस के बीच में, एक्स और वाई, गेटिंग इट? और किस एंगल पे है ये? 45 डिग्री एंगल, याद है? यस सर। हाँ, दो कैसे? हाँ सर वही नहीं समझ रहा, दो कैसे? सर वो एक्स जेड और वाई जेड के साथ है क्या? अच्छा एक बात बताओ, सुनो। हाँ सर वो जेड के साथ है क्या प्लेन? मैं क्या लगता है कि मैंने इसको ऐसा क्यों बनाया, मतलब कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ तो विजुलाइज़ करने। सुनो अगर ये एक्सिस है तो ये क्या, ये वाली एक्सिस कौन सी होगी? जेड। अच्छा एक बात, जेड एक्सिस है, ठीक है। तो अगर मैं इस प्लेन की बात करूं जो कि एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को मिलके बना है। ओके सर, अभी फील आया। आएगा बेटा, सब आएगा, रुको दो मिनट रुको। तो ये जो प्लेन है तो क्या उस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं सर, अभी समझा। समझा ना कौन सा प्लेन बात कर रहा हूँ? यहाँ पे जेड एक्सिस तो नहीं है तो इसलिए मैंने ये वाला प्लेन बोला जो कि ऑब्वियसली जेड एक्सिस को इंक्लूड करके, राइट, वाई जेड प्लेन। Yes. और ये कौन सा प्लेन हो गया? एग्जेट प्लेन। तो अगर ये एग्जेट प्लेन बनाया दूसरे कलर से वाई जेड बनाते, रुको, तो ये जेड वाई है ये वाला, ठीक है, तो ये वाई बना दिया, ये वाला वाई और वाई, तो ये वाला प्लेन, गेटिंग इट, जो कि y और z को मिलके बना है, तो ये कौन सा प्लेन हो गया? y z। और ये कौन सा प्लेन हो गया? x y। तो क्या इन दोनों प्लेन में ये इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं सर। अंडरस्टूड। तो मैंने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये y z प्लेन हो गया और ये x z प्लेन हो गया, गेटिंग इट। तो दो नोडल प्लेन हो गए और दो ही एंगुलर नोड आए। तो अभी तुमको वो आया, वो क्या कहते हैं उसको, ससुरा कौन सी एक्सिस खाली होगी? अरे वाह, मैं कह रहा हूँ ना तुम्हारे अंदर वो फूट फूट के भरा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, दिमाग, कॉमन सेंस कहते हैं, राइट? ये क्या है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव। ये क्या होगा? नेगेटिव। कौन कौन से प्लेन होंगे वाले? ये प्लेन होगा एक्स वाई, एक्स वाई, और ये कौन सा होगा? एक्स जेड। एग्जैक्ट, गेटिंग इट? यस सर। इसको बुक में बनाना सर, वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्या बताता है हमें? मैंने वो एम्पलीट्यूड का साइन बताया, मैंने कहा ना वो चार्ज नहीं है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन का तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा। ओम, ये प्लेन है, लाइन नहीं है। हाँ सर, वो पहले ही मैसेज बहुत पहले डाला था। वो दो नोडल प्लेन है और ये दो नोड एंगुलर नोड, मतलब नोडल प्लेन और एंगुलर नोड सेम है इसमें। अच्छा, इसका एल वैल्यू दो होता है तो दो नोडल प्लेन दो एंगुलर नोड होंगे, राइट? दो एंगुलर नोड, दो एल वैल्यू दो है, करेक्ट? यस। ओके ग्रेट, आगे चलें। एक मिनट सर। अच्छा समझ में आया? यस। अच्छा डी वाई जेड, अब डी वाई जेड के लिए क्या होगा? वाई और जेड के बीच में, वाई और जेड के बीच में बना दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा जेड एक्सिस। तो मेरे पास जो चार लोब्स होंगे वो कहाँ होंगे? एक दो सर, इसके पहले भी डी वाई जेड ही बनाया था, एक्स जेड बनाया गया।
चेंज कर ले अभी जेड एक्स को सर, अभी जेड एक्स आएगा। कुछ बोल रहे हो तुम? भावना है, समझो भावना है, अंडरस्टूड सर। यहाँ पे एम्पलीट्यूड चार्ज क्या होगा, एम्पलीट्यूड का फंक्शन, एम्पलीट्यूड का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ दोनों जगह नेगेटिव। नेगेटिव क्या होगा तुम्हारा? जेड वाई प्लेन, जेड एक्स वाई जेड प्लेन है, वाई जेड एंड एक्स वाई प्लेन, राइट। इसको जल्दी बनाओ, जल्दी सर। हाँ बेटा बोल सर। पॉजिटिव कहाँ पे होता है, नेगेटिव कहाँ पे होता है, वो कैसे पता चला? कहीं पे भी हो सकता है। बस ध्यान रखना, ये पॉजिटिव होगा, अपोजिट सामने सामने, ये दोनों नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, थैंक यू। तुम पॉजिटिव नेगेटिव को इंटरचेंज कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है? नहीं है सर। तो ये प्लेन कौन सा हो जाएगा? एक्स वाई, और ये वाई जेड। दुई ठो नोडल प्लेन और वही दुई ठो एंगुलर नोड, अंडरस्टूड सर? हम जो नोड्स बनाते हैं वो उस ऑर्बिटल के लिए होता है ना, उस और मतलब उस नोड में किसी और ऑर्बिटल का हो सकता है ना इलेक्ट्रॉन? हाँ ऑब्वियसली, मैं इस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ बेटा। ओके सर, तो पूरे सबशेल के लिए सबका सम करेंगे। अरे वाह, करेक्ट। अभी रुको, पहले दो सबशेल बचे हैं अपने पास, पहले वो खत्म कर लेते हैं, ठीक है? एक काम करते हैं, dx square minus y square तो एक खींच देते हैं, राइट? dx square minus y square कहाँ पे होता है? x और y axis के along। वेरी गुड, तो चलो ठीक है बना लेते हैं। तो ये x axis ले लेते हैं, तो ये y axis ले लेते हैं। तो ये तुम्हारा x axis के along एक लोब, माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस। कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। अब एक बार बताओ, यहाँ पे एम्पलीट्यूड फंक्शन चार्ज, एम्पलीट्यूड साइन पॉजिटिव। कोई तुमको ऐसा रीजन दिख रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है? नहीं सर, सारे इसमें। अरे हेल्प, नहीं नहीं सर, जेड में। जेड में तो नहीं रहेगा, बट एक और जगह नहीं है ना, ओरिजिन। ऐसा फूल बनाया तो बीच में नहीं होता है तरह, अगर ऐसा फूल बनाया तो कहाँ पे नहीं होगा? बिटवीन 45 डिग्री। ये लाइन होगी तुम्हारी x इक्वल टू y वाली? यस सर। और ये जो लाइन हो गई वो हो जाएगी तुम्हारी y इक्वल टू माइनस x, y is equal to minus x, correct? और इस लाइन के अलॉन्ग और कौन सा z is equal to zero? तो ये जो प्लेन बनेगा यहाँ, ये दोनों प्लेन कौन से होंगे? ये जो दोनों प्लेन बनाए तुमने, ये तो लाइन है, इस लाइन को z एक्सिस के अलॉन्ग खींचोगे कि नहीं खींचोगे प्लेन बनाने के लिए? खींचेंगे। हाँ, तो अगर इस लाइन को तुमने पूरा जेड एक्सिस के अलोंग खींचा तो एक प्लेन बनेगा ना? हाँ सर, ये भी एक प्लेन बनेगा, करेक्ट? ऐसा ऐसा। यस सर, ऐसा, राइट। तो एक बात बताओ, x इज इक्वल टू वाई एंड जेड इज इक्वल टू जीरो, ये आएगा प्लेन, करेक्ट? करेक्ट सर, आपने क्या बोला सर? डिस्कनेक्ट हो गया। z इक्वल टू जीरो क्यों होगा? नहीं, z इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा, प्लस इनफिनिटी से माइनस इनफिनिटी होगा। हाँ, प्लस इनफिनिटी से माइनस इनफिनिटी, z लाइन होगा, ठीक है, z लिख लेते हैं सर। हाँ, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया सर, क्या बोला सर? सर मैं वहां तक था, y इक्वल टू माइनस एक्स तक, वहां तक था, उसके बाद मैंने बोला, मैं ये पूरा डायग्राम में नहीं थी। अच्छा गुड, मैंने बोला अगर dx square minus y square बनाऊंगा, ठीक है,
तो मेरे पास चार लूप्स आते हैं करेक्ट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब तो मेरे पास चार लोब्स आए तो लोब्स के बीच में नोडल प्लेन था, यहाँ पर भी चार लोब्स आए तो लोब्स के बीच में नोडल प्लेन होंगे। यस सर। तो एक नोडल प्लेन यहाँ हुआ, दूसरा नोडल प्लेन यहाँ हुआ, ठीक है। ये लाइन कौन सी है? एक्स इक्वल टू वाई। यस सर। तो ये कैसे होगा सर एक्स इक्वल टू वाई? क्या सर एक्स इक्वल टू वाई कैसे पता चला? अरे बाबा लाइन है ना वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ओरिजिन से पास कर रहा है 45 डिग्री पे, एम की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 1। यस सर। स्ट्रेट लाइन आई कि नहीं आई? यस सर समझा। तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, ये मेरे पास दो लाइंस आई। इस लाइन को अगर मैं जेड एक्सिस के अलोंग खींच दूं तो एक प्लेन बनेगा जहां पे z की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ले लो, कोई दिक्कत? ये वैल्यू क्यों ली माइनस इंफिनिटी से प्लस? अरे सिंपली यार, मतलब पूरे ही z एक्सिस पे खींच दो तो एक प्लेन बनेगा ना। हाँ सर। तो क्या उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं सर। तो प्लेन्स को मैं क्या बोलूं? नोडल, नोडल प्लेन्स। टू नोडल प्लेन्स और दो एंगुलर नोड, एग्री? Yes, sir. चलो अच्छे बच्चों की तरह ना इसको ड्रॉ कर लो जल्दी। ओके शामिका, ये हो गया, लिख लिया, बना लिया? यस सर। यस। ओके चलो आगे चलते हैं। Psi theta phi for dz square. अब dz square का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है मुझे बताओ? रिंग वाला। मेरी आवाज कटी ना? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, वो दिखा रहा था कि इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। चलो ठीक है, सुनो dz square वाला ग्राफ क्या होता है? अलोंग z एक्सिस क्या होता है? अलोंग z एक्सिस, अलोंग z एक्सिस हमारे पास दो लोब्स होते हैं, राइट? हाँ सर। आ जाइए सुनो, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन क्या आएगा? Z-axis. तो इसको अब चलो सुनो, ये Z-axis है। तो along Z-axis मेरे पास दो लोब्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे, करेक्ट? यस। एक्स वाई प्लेन में मेरे पास एक सर्कुलर रिंग होती है लाइक दिस। अगर ये जो लोब है ये पॉजिटिव है तो इसका नीचे वाला जो होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। अपोजिट पॉजिटिव, तो ये रिंग के अंदर नेगेटिव होगा, ये रिंग में भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। तो तुम मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई भी एक ऐसा प्लेन है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा हो? नहीं। नो सर। नो सर। क्योंकि ये क्या है, एक रिंग आ गई बीच में। तो मैं कोई भी प्लेन लूंगा तो
तो उस प्लेन में ये रिंग कटेगा? यस सर, यस सर। तो पता है क्या नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स क्या होंगे? जीरो, जीरो। सो प्राउड ऑफ यू। चक्कर क्या है, अगर मैं एक्सटेंसिवली इसको स्टडी करूँ ना, तो मेरे पास रेक्टेंगुलर प्लेन्स नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो, बट मेरे पास ना कोनिकल रीजन्स हैं। ये कोनिकल रीजन है जहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये रेक्टेंगुलर प्लेन है कि कोनिकल प्लेन है? यहाँ पे नीचे एक कोनिकल रीजन आता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? जीरो, जीरो, जीरो। अरे इसमें भी आएगा ना, मतलब सब में आएगा। तो कोनिकल प्लेन्स है ना, कोनिकल रीजन्स हैं, ये तुम्हारा एंगुलर नोड है। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला एंगुलर नोड रेक्टेंगुलर प्लेन्स भी हो सकते हैं, जैसे ये प्लेन है, या फिर कोनिकल प्लेन भी हो सकते हैं। जब तक प्लेन्स रेक्टेंगुलर थे तो मैं उनको नोडल प्लेन भी कह रहा था, बट यहाँ पे तो क्या मेरे पास रेक्टेंगुलर प्लेन्स हैं कि कोनिकल प्लेन्स हैं? कोनिकल। कोनिकल प्लेन्स को मैं नोडल प्लेन नहीं बोल सकता। अंडरस्टूड? यस अंडरस्टूड सर। तो पिछले एग्जांपल्स मतलब पिछले ऑर्बिटल्स में भी बना सकते थे कोनिकल? नहीं होता। देखो मैंने क्या कहा, इसको अगर मैं एक्सटेंसिवली स्टडी करूं तो ये कोनिकल रीजन होता जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर पिछले वाले ऑर्बिटल वो लोब उस कोनिकल के अंदर है क्या? क्या? हाँ हाँ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, हमें ना हाइजेनबर्ग अंकल ने बोला था कि हमेशा कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हर जगह रहेगी, करेक्ट? तो yes, मैं कोनिकल yes, रीजन बाकी डी ऑर्बिटल्स में बनाऊंगा ना, तो उस जगह भी मेरा थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग टेंडेंसी रहेगी, तो मैं उसको नोड नहीं बोल सकता। तो सर फिर एन मतलब एंगुलर नोड ही? हाँ, एन इज एंगुलर नोड। अब चक्कर क्या है, इसके अंदर ना मेरे पास एग्जैक्ट ऐसे ही कोनिकल रीजन सरफेस आते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, तो मैं उसको नोडल प्लेन तो नहीं बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कोनिकल प्लेन। एंगुलर नोड। क्या बोलूंगा? एंगुलर नोड। तो फिर यहाँ पे दो एंगुलर नोड ना। वेरी गुड। इस डी की एल वैल्यू क्या होती है? टू। नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है? एल एल। तो आएंगे ना दो, जाएंगे कहाँ? कहा नहीं समझ में आई बात? यस सर। तो मेरे लाल पीलो हरे नीलो उसको लिख लो। सॉरी वापस बोलो। अच्छा कहाँ से कहाँ क्या से क्या बोलूं बताओ? अरे बेटा कहाँ से बोलना है? बनाया। अच्छा दृश्य, लिसन, मैंने ना ये रिंग बनाया और ये दुइठो लोब बनाया, तो मैंने इनसे सबसे पूछा कि कोई भी रेक्टेंगुलर प्लेन आएगा? उन्होंने कहा सर अगर रेक्टेंगुलर प्लेन डालेंगे ना कहीं भी किसी भी लाइन पे, तो क्या ये बीच में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो मेरे पास कोई भी रेक्टेंगुलर प्लेन नहीं आएगा, ठीक है? तो मैंने बोला नहीं आएगा, बहुत बढ़िया। तो रेक्टेंगुलर प्लेन नहीं है, मेरे पास ऐसे कोनिकल प्लेन्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये थ्री डायमेंशनल कोन है। टोपी पहनी है बर्थडे वाली टोपी? हाँ। उसको उल्टा कर दो, ऐसा प्लेन आता। तो इन टोपियों पे ना वो नहीं है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग टेंडेंसी नहीं है। गेटिंग इट? यस सर। हाँ, तो ऐसी दो टोपियां निकली हैं इसके लिए, तो कितने कोनिकल प्लेन्स होंगे? दो। अंडरस्टूड। बट वो नोडल प्लेन नहीं होंगे, बिकॉज नोडल प्लेन रेक्टेंगुलर प्लेन्स होता है। यस सर। और मैंने कहा था कि एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एल वैल्यू, तो डी के लिए एल वैल्यू क्या है? टू। हाँ, तो दो एंगुलर नोड्स तो निकलने चाहिए ना। यस सर। या सर वो नंबर ऑफ क्या लिखा है वो साइड में, नंबर ऑफ एंगुलर नोड कहाँ पे? ये नंबर ऑफ नोडल प्लेन, नोडल प्लेन है ना, जीरो। अच्छा, ओके।
सर सो नोडल प्लेन का रेक्टेंगुलर रीजन में रहता है इसलिए नोडल प्लेन जीरो हो। हाँ बेटा रेक्टेंगुलर प्लेन्स को नोडल प्लेन ही बोलते हैं। सर बाकी सब में कॉनिकल वाला जो नहीं होगा? नहीं सर अब पूछ रहे क्यों नहीं होगा। अरे बेटा बिकॉज एंगुलर वेव फंक्शन ने बोला ही नहीं ये चीज। मैं तो प्लॉट एंगुलर वेव फंक्शन कर रहा हूँ ना, तो जो एंगुलर वेव फंक्शन बोलेगा मैं तो उसको ही मानूंगा। करेक्ट? यस सर। हाँ तो वहां पे ऐसा रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता जहां पे इलेक्ट्रॉन जीरो, कोई कॉनिकल प्लेन नहीं होता। हाँ मोहित होने तो क्या दिक्कत है, चक्कर फर्क क्या पड़ता है? तो कोन के अंदर प्रोबेबिलिटी मिल सकती है ना। अरे बेटा एक बार बता, ये तो 90% प्रोबेबिलिटी है, बाकी 10% तो बिखरी हुई है ना। ओके सर समझा। गाइस आगे चलें। यस यस सर। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अगर मैं साई थीटा फाई होल स्क्वायर को प्लॉट करूं, समझना इस चीज को, तो पॉजिटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव रहता है राइट? यस सर। नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जब मैं इसको प्लॉट करूंगा ना, मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली बना दूंगा। दूसरी चीज, ये जो लोब्स होते हैं ना उनको स्क्वायर करते हैं थोड़ा बहुत इलोंगेट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा फैल जाते हैं ऊपर की तरफ। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा ना थोड़ा सा और इलोंगेट हो जाएगा ऐसा। उसके बाद एक सर्कुलर रिंग, शेप में कोई फर्क नहीं आएगा। गेटिंग अ पॉइंट? यस गेटिंग इट। तो इट गेट इलोंगेटेड। सर और साइन रिप्रेजेंट नहीं करते? नहीं ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्या फायदा? हाँ। पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा के। सर आपने वो येलो में वो किया वो बता सकते हो डिस्क में? सर आपने वो येलो में वो जो लिखा वो एक बार बता सकते हो मैं डिस्कनेक्ट हो गया? मैंने बोला कि अगर कोई भी चीज पॉजिटिव है और नेगेटिव है उसका स्क्वायर करूंगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट सर। उसके बाद सीन क्या, इसका जो लोब है ना वो थोड़ा सा और इलोंगेटेड हो जाता है, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाता है ऐसा। तो मैं उसको थोड़ा बहुत इलोंगेट कर दिया और बीच में एक रिंग बना दी, ये उसके स्क्वायर का शेप होगा जो कि प्रोबेबिलिटी बताएगा। ठीक है गाइस आगे चलें। यस सर। वेरी गुड गाइस, साई थीटा पाई होल स्क्वायर येलो से बना रहा हूं, क्या होगा ये सेम? पॉजिटिव 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 नहीं लिखूंगा मैं, राइट? यस पॉजिटिव ही हो जाएगा। डी जेड एक्स ये क्या हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई एक्स हो जाएगा ये। ठीक
ये कौन सा है? Y और Z, मैं बस साइन हटा रहा हूं और लोब्स को थोड़ा एलोंगेट कर रहा हूं, गेटिंग इट? हर बार ऐसा ही होगा, और इसका मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है इसको बनाना, ठीक है? बिकॉज पता है क्या है क्या नहीं, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, एस ऑर्बिटल का पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। स्फीयर का स्क्वायर करोगे तो स्फीयर ही आता है, गेटिंग इट? यस सर। इसका भी सेम शेप रहेगा, सेम शेप रहेगा और सेम शेप रहेगा, गेटिंग इट? आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब द होल ड्रॉइंग। नूतन, वी डोंट हैव एफ एन जी इन आवर करिकुलम, सो चिल आउट। Getting it? और F और G सब orbitals का जो shape है वो बहुत complex होता है। तो सर quantum number खत्म? हाँ, अभी तीन principles करने हैं। Pauba, Hund and Pauli's। क्या बोल सर? Repeat। सर जो side theta phi का square हमेशा same ही होगा ना? हाँ। सिर्फ sine और साइन हट जाएगा, शेप सेम रहेगा। गाइस आगे चलें अभी। यस सर। यस सर। साई फंक्शन एनर्जी के लिए होता है। हाँ, एम्पलीट्यूड एनर्जी सर। तो साई थीटा और साई फाई भी हैं एनर्जी के लिए एनर्जी अलोंग द एंगल्स। ओके, इसलिए शेप मिला। फंक्शन अलोंग द एंगल्स या आई एम सो हैप्पी। सम बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉज। फर्स्ट ऑफ बॉ, बोलना तो क्या लिखा है? ऑफ बॉ। ऑफ बॉ। ऑफ ए यू एफ डी ए डब्ल्यू। ऑफ बॉ। ऑफ बॉ। हाँ, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, बताए। ऑफ बॉ। ऑफ बॉ। रात को बोलने सोने से पहले 10 बार बोल के सोना, नींद अच्छी आएगी। ऑफ बॉ प्रिंसिपल, राइट? व्हाट डज इट से? सुनो, इट सेज दैट। अच्छा एक बात बताओ, सबशेल्स की एनर्जी अलग अलग होती है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए, इतना हमने क्वांटम नंबर में किया था, याद है? यस सर। हाँ सर। तुमको ये बताया था सबशेल की जो एनर्जी होती है ना वो n प्लस l लेवल के ऊपर डिपेंड करती है। यस सर। इट डिपेंड्स ऑन n एंड l लेवल। जितना n प्लस l लेवल ज्यादा होता है उतना ज्यादा एनर्जी होती है, और अगर n प्लस l लेवल से n प्लस l वैल्यू सेम होता है जिसका n ज्यादा, तो n की वैल्यू देखते हैं, n की वैल्यू ज्यादा होती है। एग्रीड? कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? इन पांचों की एनर्जी सेम होती है। सबशेल्स की एनर्जी अलग अलग होती है, सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना इनकी एनर्जी क्या होती है? सेम रहती है। यू गॉट दैट पॉइंट? जब एनर्जी सेम रहती है ना तो उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। सर मतलब सबके सबको डीजेनरेट ही करेगा ना? हाँ, तो सबके सबसेल्स के खुद के ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहती है। अब 3D और 4D की एनर्जी सेम रहेगी क्या?
नहीं, दोनों की नहीं रहेगी, इनकी रहेगी। यस सर। प्रिंसिपल के बाद क्या बोला आपने? मैंने बोला ऑफ बॉ प्रिंसिपल ने बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है, रात को नींद अच्छी है, रात को नींद अच्छी आती है 10 बार बोल के सो गए तो। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद बोला कि जितने भी सबशेल्स होते हैं ना उनकी एनर्जीज अलग अलग होती है, हमने पहले क्वांटम नंबर में किया था कि एनर्जी ऑफ सबशेल इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन एन प्लस एल वैल्यू। किन पे डिपेंड करता? एन प्लस एल वैल्यू। जितनी ज्यादा एन प्लस एल वैल्यू होती है ना उतना ज्यादा एनर्जी होता है, और अगर कुछ सबशेल्स का n प्लस l वैल्यू सेम है, जिसका n वैल्यू ज्यादा होता है उसका ज्यादा एनर्जी होता है। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। चलो मैंने इतना बोला। उसके बाद बोला कि अगर मैं एक सबशेल उठाऊं 3d, उसके पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, उन 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। गेटिंग इट? तो एक पर्टिकुलर सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उन सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, और उन ऑर्बिटल्स को जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है? तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। सेम एनर्जी, सेम एनर्जी। हाँ हाँ, चलो ग्रेट, समझ में आया? यस सर। ओके, अच्छा एक और चीज, मेरे पास 2 एनर्जी रीजन अवेलेबल हैं, तो तुम्हें बताना यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज होती है वो हमेशा मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन करेगी? यस सर। एनी डैम प्रोसेस अकर इन यूनिवर्स विल अकर टू अटेन स्टेबिलिटी, मैक्सिमम। यस सर। अब एक बात बताओ, ये 2 एनर्जी रीजन्स हैं, इसका एनर्जी कम, इसका ज्यादा, इसका और ज्यादा। ये भाई साहब खड़े हैं, इनको इनमें से एक पोजीशन ऑक्यूपाई करनी है, तो कहाँ पे ऑक्यूपाई करवाओ? फर्स्ट। फर्स्ट कितना जितना कम एनर्जी होगा उतना स्टेबल होगा। डन। उसके बाद एक और है, अब इसका ये ऑक्यूपाइड हो गया तो ये भाई साहब कहाँ जाएंगे? Getting it? Yes. इसी तरीके ना एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स को जब मैं फिल करूंगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को किस सबशेल के अंदर डालूं? S सबशेल। अब ये याद करना, जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। सबसे कम। हाँ, अभी कोई कुछ बोला? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। ओके, जिससे जिसका एनर्जी सबसे कम हो। अब मुझे बताओ, ऑब्बा प्रिंसिपल भी यही कहता है, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम विल अकर इन increasing order of an increasing order of energy of subshell, the filling of electron। हाँ बेटा, electrons को भरना है ना atom के अंदर। अब तक हमने क्या किया, हमने बिल्डिंग देखी है ना, अभी तक हमने कमरे देखे, कमरों की एनर्जी देखी, ये सब किया। अब कमरों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डालने पड़ेंगे ना, तो सबशेल के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स डालना पड़ेगा ना। यस। हाँ तो मुझे क्या बताओ, टेल मी क्या होगा सबसे पहले,
in increasing order of the energies of subshell, that is increasing order. There, n plus l value. Getting it? If n plus l value is same for previous subshell, then lower the n value lesser will be the energy. समझ में आई बात? यस सर। अब इसको कृपया करके लिखने का जतन करें सर। वो एनर्जी के बाद वो ऑफ कंटिन्यू है ना? हाँ सर, एक मिनट सर, लिखना है। हाँ बेटा लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं। सर मतलब n प्लस l वैल्यू अगर सब कुछ शेल्स का सेम है तो हाँ। फिर n वैल्यू कम होगा तो उसमें पहले फिल होगा। हाँ आगे चले। यस यस सर। या गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आगे चलते हैं, ठीक है? Now listen guys, everyone. Abaw principle क्या कहता है? पहले तो एक बार बताओ, पहले शेल में कौन कौन से सब शेल होते हैं? Yes. बस वन एस ही होता है पहले शेल में। फिर yes, सेकेंड शेल में कौन कौन से सब शेल्स होंगे? 2s and 2p। और उसके बाद थर्ड शेल में कौन कौन से होंगे? 3s 3p 3d। और उसके बाद फोर्थ शेल में कौन कौन से होंगे? 4s 4p 4d 4f। सो ऑन, करेक्ट? यस सर। अच्छा मेरी बात सुनो, अबाव और अंकल ने कैसे एनर्जी अरेंज करी इसकी? सारे मिलके बोलना साथ में, ठीक है? सकूल 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 दिल्ली पब्लिक स्कूल सकूल नहीं नहीं पब्लिक स्कूल ना सर पब्लिक स्कूल सकूल सकूल बोलो सकूल 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 हो गया। उसके बाद सकूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल Delhi Public School. फिर जी आएगा, बोलो फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल। आप बोलो स्टार्टिंग से। This is the best lecture I have ever had. Okay, fine, listen. Shit. Okay. S starts from 1, right? S की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है?
फर्स्ट वन एस कहां से स्टार्ट होता है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो ऑन करेक्ट यस ओके पी की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है टू टू सेकंड सेल टू थ्री हाँ फोर हाँ फाइव हाँ सिक्स हाँ सेवन आगे डी थ्री फोर फाइव आगे फोर फाइव फोर फाइव अच्छा यू नो व्हाट सुनो जब मैं मुंबई आया था यहाँ पे तो ये ट्रेंड मैंने शुरू किया दो साल के बाद डीपीएस के फैकल्टीज ने ये ट्रेंड शुरू किया धीरे धीरे ना पूरी नई मुंबई में प्रोपोगेट हुआ तो मैंने यूट्यूब पे इधर तो देखा था ये हाँ दो साल पहले तो ये ट्रेंड ऐसा प्रोपोगेट हुआ मुंबई की बात कर रहा हूँ नई मुंबई की बात कर रहा हूँ कि पूरा ऊपर नीचे हो गया ये शुरू किया था 2009 में सकूल सर मतलब आपने जनरेट किया था ये नहीं 2005 में मेरे फैकल्टी ने जो जिसने जनरेट किया था उसने बताया था तो मैंने इसको इस ट्रेंड को आगे बढ़ाया देखो मैं झूठ तो बोलता नहीं राइट हाँ हाँ तो ये ट्रेंड बहुत आगे बढ़ गया उसको समझ रहे हो मैं इस ट्रेंड का विटनेस हूँ प्रोपगेटर भी ए संगा इतना यस सर अच्छा आप बताओ किधर थे हम लोग एस ऑर्बिटल में अरे हाँ चुए एस सबसे में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं एक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं दो मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं थ्री और एक ऑर्बिटल में दो आते हैं तो टोटल कितने आएंगे सिक्स डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं फाइव तो टोटल टेन एफ के अंदर सेवन फोर्टीन जी के अंदर नाइन एटीन एटीन डन अभी तक यहाँ तक ही फिल कर पाए हम लोग जितने एलिमेंट्स आए हैं ना उन्होंने यहाँ तक ही फिल किया पूरे आइटम को इसके आगे अभी तक किसी ने फिल नहीं किया गेटिंग इट ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग का टेंडेंसी है अंडरस्टूड यस तो गाइस प्लीज लिख लो लिख लिया आज आई एंजॉयड दैट स्टफ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम या नहीं अभी इसके लिए कुछ नहीं लिखना रुको अच्छा सॉरी या मैं क्या कह रहा था Yeah. What I was saying here, Abba ने n plus l value बोला था, right? Sir, वो आप 2, 6 वो सब वापस बताओ ना. क्या बेटा? 2, 6. अभी तो s और s. वो electron है. S subshell में ना एक orbital होता है. P में तीन होते हैं. P में पांच होते हैं. और f में सात होते हैं. G में नौ होते हैं. ठीक है? Yes, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक का क्लॉकवाइज स्पिन दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज एग्री यस उसके अंदर भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो टोटल कितने छह सिक्स तीन में टेन तो वही लिखा है इधर 2, 6, 10, 14 दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ
electron which this particular subshell can accommodate. Got it, sir. Good. आगे चलें. Now listen. इससे पता है क्या हुआ, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला. इससे मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला, ठीक है, फॉर वेरियस एटम्स. ठीक है, अब सुनना कैसे कैसे क्या क्या हुआ. एक्चुअली देखा जाए पूरा पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन ऑब्बर प्रिंसिपल. ठीक है, आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली एंड हाउ इट हैपेंस. ठीक है, चलो एक काम करते हैं. इंडक्शन एटम्स लेते हैं जब तक. ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, किनोफेनी, नामग, अल, सिप्स, क्लार. क्लार पक्का. देन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, सो ऑन. अब सुनो, मुझे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. पहले तो बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसके मेरे पास जरे हाइड्रोजन वन वन. तो इलेक्ट्रॉन डालने, राइट. तो सबसे पहले करना मेरे पास है स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल. तो 1s से स्टार्ट होता, राइट. तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा. 1s में. 1s में. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के तो क्या लिखूंगा, 1s1, करेक्ट. हीलियम के अंदर पैरिंग हो गई, अब क्या हो जाएगा, 1s2. लिथियम S2S1. बेरिलियम, गेटिंग इट, बोरॉन, 1s2 2s2. एस फील्ड हो गया तो नेक्स्ट क्या आएगा, 2p 2p1. समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है. मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में. कार्बन 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6. Agreed? Sodium bolo. 1s2 2s2. टू पी सेवन. कैसे आएगा बेटा, P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6. जैसे ही खत्म हो जाए तो आगे, करेक्ट. यस सर. आगे वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू. ओके, उसके बाद वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी वन. ओके, 3p2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. उसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 के बाद क्या आता है,
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब 4s2, वेरी गुड। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो यहां तक हो गया। अब yes. क्या आएगा 4s के बाद? क्या आता है 3d, d वाला आएगा। 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अगर याद हो बचपन में जब तुमने बोहर अंकल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, याद है थोड़ा बहुत? yes, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। तुम बड़े प्यार से लिखते थे इसका वन होगा, इसका टू होगा, इसका टू वन होगा, इसका टू टू होगा। ऑब्वियसली पहले शेल में कितने हैं? एक। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वन का मतलब पहला शेल होता है ना, दो का मतलब दूसरा शेल होता है। तो पहले शेल में कितने हैं? दो। दूसरे शेल में कितने हैं? एक। दो, दो आ गए। पहले शेल में दो, दूसरे शेल में दो। यस। पहले शेल में कितने हैं? दो, दो, एक। तीसरे में तो टू थ्री लिखते थे, करेक्ट? हम्म। इधर लिखते थे टू फोर, इधर लिखते थे टू फाइव, इसको लिखते थे टू सिक्स, इसको लिखते थे टू सेवन, एंड टू एट तक बहुत खुश होते थे। वो तो आठ पूरे हो गए, टू एट एट एटीन वाला करते थे, राइट? हाँ। अब एक बताओ, पहले शेल में दो, दूसरे शेल में आठ, तीसरे शेल में कितना? एक। कॉमा नंबर, करेक्ट? ये भी करते थे सर। टू एट टू टू एट थ्री, टू एट फोर, टू एट फाइव, टू एट सिक्स, टू एट सेवन, टू एट एट। फिर यहाँ पे क्या करते थे? टू एट एट वन, टू एट एट टू। ये याद आया ट्रेंड? यस सर। पर अचानक था ना, तो बताए क्या, जो तुम्हारे बुक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी होती थी वो लिखी होती थी टू एट दो आठ, थर्ड शेल में कितने? एट प्लस वन, ये भी तो थर्ड शेल में आएगा। थ्री डी में फोर एस टू के बाद आता, राइट? तो आठ प्लस एक कितना हुआ? नाइन। नाइन उसके बाद कितना आएगा? टू। कभी इतनी अजीब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी तुमने बचपन? टू नहीं सर, नहीं सर। आती है, अगर तुमने आईसीएसई बोर्ड में पढ़ा हो ना तो उसके अंदर दे रखा है। तो अचानक से वो ट्रेंड खराब हो जाता था, इसलिए हम ना ये चीजें फॉलो नहीं करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई, अब तुमको वो कौन बताएगा? ऑब्वा प्रिंसिपल। और आज के बाद इस प्रिमिटिव कॉन्फ़िगरेशन को नहीं लिखोगे, यू विल फॉलो विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ऑफ बा। ऑफ बा, ऑफ बा, राइट? ये सब सेम होगा, लास्ट में आ जाएगा 3d2। यहां सब सेम होगा, लास्ट में आएगा 3d3। करेंगे? यस सर। इसको लिखने का क्या लोगे? वाह। लिख लो, देन वील कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? थैंक यू सर, बाय सर। अबे ओए, लिख ले इसको, वक्त दिया इसके लिए, दिया था कि इसको? नहीं सर, ये एडवांस आपके साथ लिख ले। लिख ले ना, चलो फिर कंटिन्यू विद द नेक्स्ट प्रिंसिपल। नहीं लिखा सर, रुको। तुम में से किसी ने रूम छोड़ा, 69 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिसने भी रूम छोड़ा बिना लिखे, उसको ना पकड़ के अगली बार ना पास में ही रहते तो कम टू योर होम। पता कैसे चलेगा आपको? वही सर, आपको कैसे पता चलेगा? बेटा देखो, सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, पता है तुमको? कहाँ, किस जमाने में? और टेक्नोक्रेट होगी, मस्ती कर रहे थे, कोई आता है कोई जाता है पता लग जाता है, एंट्री आती है बैक साइड में। सर वो तो पता है,
लिखा है कि नहीं वो कैसे पता? हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ। एंट्री लॉग आता है किस टाइम पे कौन आया किस टाइम पे कौन गया। You don't know that, right? नहीं सर वो नहीं मतलब आपने बोला बिना लिखे अभी बिना लिख के गए तो आपको कैसे पता चलेगा? अरे देखो यार प्रिमिटिव मास्टर तो नहीं हूँ मैं, मुझे तो पता लग जाएगा कितना टाइम लगता है राइट। कॉमन सेंस बहुत ज्यादा राइट सर आपके साथ साथ ही लिख दिया था। हाँ सर जाके दिखाओ बताता हूँ तुमको। ओके गाइस लिख लिया सर। सर हाँ बेटा बोलो ना सर 2892 वाला कैसे आया? बेटा एक बात बता स्कैंडियम को देख अच्छी तरह देख। अच्छा दिख रहा जिसको येलो से गोला मार रखा है राइट सर्कल किया हो तो पहले 1s2 आया तो पहले सेल में दो आ गए फिर 2s2 2p6 तो दूसरे सेल में 8 हो गए करेक्ट। हाँ तीसरे सेल में 3s2 3p6 3d1 3 भी तो थर्ड सेल ही हुआ ना। अरे हाँ अरे हाँ तो 2+6+1 कितना हुआ? अच्छा ऐसा होता है क्या? अरे हाँ ऐसा ही होता है। हाँ सर समझ गया। ओके गाइस लिख लिया? नहीं सर नहीं लिखा तुम बहुत लेजी हो। नहीं सर टैब स्विच ऑफ हो गया मेरा तो फिर मीटिंग से निकल गया था मैं तो अभी दूसरे डिवाइस से आ रहा हूँ। ओके तेरा आईडी क्या है? सर ZPLDJ2020 03 1 चलो आगे चलें। ओ लिख लिया? यस ओके फाइन गिव मी अ मिनट। चलो गाइस यू एंजॉय। बाय बेटा। बाय सर बाय सर थैंक यू सर बाय सर या बाय 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 टेक केयर।